और ये गुड्डी छुट्टी है, अभी ये हवा में जा रही है। इस तरह से आप उड़ा सकते सेफ काइट फ्लाइंग करने के लिए। और ये देख सकते हैं ये नलकी घूम रही है। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैर। सो गाइस, आज की नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आकर भाई जो है ना आपको बताएगा सेफ काइट फ्लाइंग किस तरह से कर सकते हैं। और कई लोगों को नहीं पता होता कि सेफ काइट फ्लाइंग किससे कहते हैं, ठीक है, हम किस तरह से कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताता जाऊँ, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से आप सेफ काइट फ्लाइंग कर सकते हो। अभी आपको दिखाता हूँ मेरे पास कितनी सी काइट आ जाती है। ये देख भी सकते हो कि ये जो के रेड वाली आ जाती है, ये जो के मैंने आपको ना प्रॉपर बना के दिखाई थी, ये वाली आ जाती है, ठीक है। और अभी आपको दिखाता हूँ कि हम इनमें से ना किस तरह से काइट फ्लाइंग कर सकते हैं। और अभी आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है, और वीडियो के साथ जुड़े रहे। अभी आपको बताता हूँ किस तरह से आप सेफ काइट फ्लाइंग कर सकते हो, ठीक है। आप आसानी से ना उड़ा सकते हो, ठीक है, सेफ काइट फ्लाइंग करके। अब ये सेफ काइट फ्लाइंग किस तरह क्या होता है, ठीक है, ये किस तरह से कर सकते हैं, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अभी आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देख रहे होगे ये डोर आ जाती है एक साइड पर, ठीक है। ये आप देख भी रहे होगे, ये अभी अभी मैंने पकड़ी है गुड्डी, ठीक है, ये लाल वाला गुड्डा अभी अभी मैंने पकड़ा। ये देख सकते हैं ये अभी ना डोर से काट के आई है, ठीक है, ये डोर है, ठीक है, ये केमिकल है, ये देख भी सकते होगे। और एक साइड पर ये देख सकते हैं ये नलकी आ जाती है, जो आपको मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेफ काइट फ्लाइंग किस तरह से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये नलकी आ जाती है, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये जो कि मैंने आपको बना कर दिखाई थी, ये हम उड़ाने वाले हैं, ठीक है। आप ये भी उड़ा सकते हो, ये भी उड़ा सकते हो, ठीक है। और अभी आपको दिखाता हूँ आप किस तरह से सेफ काइट फ्लाइंग कर सकते हो। तो गाइस, अभी जो कि ना मैं उड़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ना उड़ाते पहले ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप किस तरह से कर सकते हो। सबसे पहले नंबर वन चीज़ आ जाती है, अगर आपने सेफ काइट फ्लाइंग करनी है ना तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लावा लावा डोर, एक नलकी वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अलावा धागा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, वो बाजार से आसानी से मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जब भी आपको वीडियो बना कर दिखाऊँगा तो आपको दिखा दूँगा वो नलकी कौन सी है, इतना बड़ा रूला आ जाता है नलकी का। अब आसानी से ना आटा गुड्डा उड़ा सकते हैं नलकी में। जो ये आप देख रहे हो ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये धागा जो कि नलकी, इससे आप वो ना अड्डा गुड्डा नहीं उड़ा सकते, ठीक है। ये जो मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ना नरम है और पक्की इतनी नहीं है, इससे ना आप उड़ाओगे ये टूट जाएगा अड्डा तावा। जो मैंने आपको दिखाई ना ये जो ये छप्पर की प्लास्टिक बैग की गुड्डी छुड़ी, आप ना इससे ये उड़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग की है ना वो इतनी भारी नहीं होती, आसानी से उड़ सकती है, ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आप किस तरह से कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था, सबसे पहले नंबर वन ये है, अगर आप खुली जगह पर रहते हो, ठीक है, जहाँ पर ना आप देख सकते हो कि पहाड़ी इलाका है, ठीक है, आप वहाँ जा कर ना उड़ा सकते हो, ठीक है, आप गुड्डी छुड़ी ना उड़ा सकते हो, जहाँ पर खुला मैदान हो, खुला पहाड़ी इलाका हो, ठीक है, वहाँ से आप भला डोर पर भी उड़ाओ ना तो आप उड़ा सकते हो, ठीक है। और कोशिश ये करना, अगर आप किसी जगह पर रहते हो ना, जैसे कि आप पहाड़ी इलाके पर रहते हो, दूर दूर कोई घर नहीं है, वहाँ पर आप उड़ा सकते हो आसानी से, ठीक है। आप भले मोटी तंदी पर उड़ाओ, डोर पर उड़ाओ, आप वहाँ से ना आसानी से उड़ा सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप नहीं उड़ा सकते, आप बेशक उड़ा सकते, लेकिन हाँ, जहाँ पर यह काफ़ी ज़्यादा घर है, लोग है, आबादी है, वहाँ पर आप नहीं उड़ा सकते, ठीक है। आपको पता है कि तो जाने नुकसान वगैरह भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने करनी है ना तो वहाँ पर जाकर आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप आबादी इलाके भी रहते हो, अगर आपको शौक है करने का, आप पहाड़ी इलाके पर जाकर भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जो कि काइट फ्लाइंग करना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, पहाड़ी इलाका होता है, ऊपर से हम काइट फ्लाइंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। वहाँ से आप बेशक पेचे शीशे भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर यह है कि जाने नुकसान नहीं होगा, आप बेशक ये मोटी डोर इस्तेमाल कर लो, केमिकल इस्तेमाल कर लो, लेकिन हाँ, पहाड़ी इलाके में आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये नहीं कि आप आबादी मतलब कि यहाँ पर आप इस्तेमाल करते रहो, जहाँ पर आबादी है, ठीक है, वहाँ पर नहीं आपने इस्तेमाल करना। और आपको बताता हूँ, जहाँ पर आपकी आबादी है, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग वगैरह रहते हैं, आप कहते हैं कि अगर मैं केमिकल से उड़ाऊँगा, जैसा कि ये देख सकते अभी अभी ना ये काट कर आई है, ठीक है, आप ये देख भी सकते होगे। इसको मैं क्या करूँगा, इसको ना मैं इस तरह से ना ये मैं ये देख रहे हो ना, इस तरह से मैं करके ना इसको मैं फेंक देना है, ठीक है। ये मुझे ना
मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और ये देख सकते हैं ना, इसके साथ है ये डोर, ठीक है, ये देख भी सकते हो कि ये सीपी है, और इसके साथ ये केमिकल आ गई है, ठीक है। अब मैं केमिकल को इसको ना आग लगा के फेंक दूंगा, ठीक है, और इसको मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसकी जगह मैं नलकी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन क्योंकि ये अड्डा ताबा उड़ नहीं सकता। अभी आपको दिखाता हूँ आप ना आबादी वाले इलाके में ना किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ना ये देख सकते हैं ये वाले गुड्डी शुड्डी, अभी आपको ना मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा ना आपको दिखाऊंगा आप किस तरह से उड़ा सकते हो। ये देख सकते हैं ये सारी आबादी वाला इलाका है, ठीक है, ये देख सकते हो अभी दूर दूर घर भी है, ठीक है, यहाँ भी ये नहीं है कि पहाड़ वगैरह है, तो ये आप उड़ाएंगे, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ ये आप किस तरह से उड़ा सकते हो। और हाँ, हम ये वो इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमने पकड़ी है, ठीक है, क्योंकि इससे जानी नुकसान हो सकता है। ये हम इस्तेमाल करेंगे धागा वगैरह है, या आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, ये देख सकते हो। अब ये उड़ाने वाले हैं भाई, इस तरह की जो होती है ना ये जो धागा वगैरह, एक मोटा धागा होता है उससे भी ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो कि ना आडा था वह आसानी से आप उड़ा सकते हो उससे, ठीक है। जो ये नलकी है ना इससे आप मोमियाँ शोमियाँ उड़ा सकते हो, छोटी छोटी मिनी मिनी काइट वगैरह उड़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम है, ठीक है। धागा थोड़ा सा पक्का है, लेकिन आटा तावा जो कि आप सिर्फ सिर्फ उड़ा सकते हो। अभी आपको दिखाता हूँ हम किस तरह से उड़ा सकते हैं। आबादी वाले इलाके में आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ना कि आप केमिकल इस्तेमाल कर सकते हो। और सेफ काइट फैलाने के लिए ना आप यही इस्तेमाल कर सकते हो, धागा मोटा धागा, ठीक है, इतना मोटा भी नहीं, मतलब कि आपको दिखाऊँगा वो दूसरा धागा होता है, ठीक है, वो मतलब कि ना इतना भी नहीं पक्का होता है, एक होता है ना मोटा धागा वो रसाइयों को गांठने वाला, वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप ये ना समझना कि वो वाला आपने इस्तेमाल करना है, मैं आपको दिखाऊंगा मोटा धागा इतना रुला होता है, लेकिन वो जो कि ना इससे ना थोड़ा सा ना पक्का होता है, इससे थोड़ा सा पक्का होता है, लेकिन वो ये है कि आटा तब आप आसानी से उड़ा सकते, इससे भी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और अभी आपको ना मैं दिखाता हूँ किस तरह से हम काइट फ्लाइंग कर सकते हैं, सेफ काइट फ्लाइंग किस तरह से कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये देख सकते हो ये जो धागा वगैरह ना अभी मैंने ना इसकी तलामिशों में डालनी है, इससे ही मैं डालूंगा, उसके बाद ना हम इसको उड़ाएंगे। अभी आपको दिखाता हूँ हम किस तरह से उड़ा सकते हैं सेफ काइट फ्लाइंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर पास धागा वगैरह है, नलकी वगैरह, आप एक बार आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी टाइम वेस्ट के बगैर अभी आकर दिखाता हूँ, तलामे शवे डाल लेंगे, अभी तलामे शवे डाल कर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो हम उड़ाने वाले हैं अभी आपको दिखाता हूँ हम किस तरह से उड़ा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, अभी हम ना ये देख रहे हो ना, इसको यहाँ से ना सुराख वगैरह कर लेंगे अच्छी तरीके से, ये देख सकते हैं, ठीक है। गाइस अभी जो कि हमारी गुड्डी छोटी ना उड़ने के लिए रेडी छोटी हो गई है, ये देख भी सकते हो गे, ठीक है। अभी हम उड़ाने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ हम किस तरह से ना काइट फ्लाइंग कर सकते हैं, अभी आकर भाई करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो ये देख सकते हैं ये मैंने धागा वगैरह इस्तेमाल किया, ठीक है, और ये गुड्डी छोटी है, अभी ये हवा में जा रही है, ये देख सकते हैं, ठीक है, आका भाई हवा में छोर है, चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप उड़ा सकते हो सेफ काइट फ्लाइंग करने के लिए। और ये देख सकते हैं ये नलकी घूम रही है, और गुड्डी हमारी देख सकते हैं कहाँ पर जा चुकी है, चेक भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। गाइस ये देख सकते हो हमारी गुड्डी, वो देख सकते हो वो कट गई भी जा चुकी है, ठीक है, ये देख सकते हो धागा जो है ना, ये देख सकते हैं ऑलरेडी से ना पहले से ये टूटा हुआ था, इसलिए हमारी गुड्डी छुट्टी ना वो जा चुकी है, वो देख सकते हैं गाइस, ठीक है, वो गिर चुकी है, यहाँ से टूटी है मेरे ख्याल से, तो धागे का ये होता है कि ये टूट जाती है, इस वजह से ना मैं ना थोड़ा सा मोटा धागा लेकर दिखाऊंगा, वो वाला नहीं जो रजाइया गांडने वाला होता है, लेकिन मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा, उससे आप आसानी से ना उड़ा सकते हो। इससे यही होता है कि ये धागा ना बहुत ज़्यादा ना कच्चा होता है, ठीक है, आसानी के साथ ये टूट सकती है। और ये गुड्डा छोटा नहीं हम उठा सकते हैं, ये तो वैसे ही टूट जाएगा जैसे हम इस तरह से करेंगे। तो गाइस इस तरह से ना काइट फ्लाइंग कर सकते हैं, हमारा गुड्डा जो कि ना वहाँ पर जाकर गिर चुका है, ठीक है, तो इससे यह होगा कि कहीं भी जाकर गिरा है ना, अगर छत पर कोई भी है ना उसके गले में फिरती है ना, उससे कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा, जैसे कि
यहाँ से अभी टूटी है ना अचानक से, तो वहाँ वह जाके गिरी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, वो इस तरह से आप कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। ये धागा मैंने इस्तेमाल किया था, और ये गुड्डा छूटा है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कच्चा है, तो आप देख सकते हो हमारी गुड्डी पहले से ये टूट चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से ना आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा आप धागा इस्तेमाल कर सकते हो, वही भी ना आपको दिखा दूँगा। ठीक है, इसको तो हम उड़ा ही नहीं सकते, क्योंकि ये उड़ाएँगे तो मेरे ख्याल से ना ये उड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मोटा धागे से थोड़ा सा उड़ेगा, तो वो मैं दिखाऊंगा कौन सा धागा है। गाइस इस तरह से ना आप कर सकते हो सेफ काइट फ्लाइंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों को ये पता है कि हम किस तरह से सेफ काइट फ्लाइंग करें। ठीक है, तो कई लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैंने क्या सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाता जाऊं। मेरे ख्याल से ना आपको इस तरह की वीडियो किसी ने नहीं बनाई होगी, सेफ काइट फ्लाइंग किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी डोर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ने ये नहीं बताई होगी। एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा, वो मोटा थोड़ा सा धागा होगा, बाजार से मिलेगा, और इंशाल्लाह मैं आपको वो भी लेकर आकर और मैं आपको दिखाऊँगा वो भी किस तरह से आप उड़ा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी लोग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते हैं, दुआ में याद रखें। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।